ये दोस्तों शाह विला के रूम्स हैं, मॉडर्न रूम है, अच्छा खासा, मतलब फर्नीचर भी बढ़िया है। अब इसमें बेडशीट नहीं बिछी है, स्प्रिंग मैट्रेस है और ये सारा टीक का फर्नीचर है। ये डोर भी आप देख रहे हो टीक का है, तो स्पेस इतना है। अगर बैठ के यहाँ स्पेस देखोगे इस साइड, आप इधर भी देखोगे, अगर जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा मैट्रेस डालने के लिए जगह है। सामने बालकनी में डोर खुलता है। ग्रिल इन्होंने स्टील की बड़ी बड़ी लगाई है ताकि, क्योंकि ये टाइगर का एरिया है, टाइगर यहाँ घूमता ही रहता है, लोगों को कॉन्फिडेंस रहे। हालांकि ये हाइट पे फर्स्ट फ्लोर पे है, फिर भी इन्होंने ग्रिल स्टील की लगाई है। एयर कंडीशन रूम है और हर डोर के बाहर बालकनी है, कहीं छोटी तो कहीं बड़ी। अब ये पीछे वाला रूम है बैक साइड, तो उसमें भी जंगल दिख रहा है और बैक साइड फ्रंट साइड की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा स्पेस है और ये घूम के फ्रंट में ही जाती है। अगर आपका बैक फेसिंग रूम है तो भी आप, एक बालकनी और है आपके पास कॉमन, ये बालकनी है जो कि सारे रूम वाले एक्सेस कर सकते हैं, ये फ्रंट में ही जाती है और फ्रंट की बालकनी वो दिख रही है। जब स्टेयर से आप चढ़ोगे तो ये बैठने की जगह है और ये नीचे ही टाइगर घूम रहे होते हैं रात को। मुझे कल टाइगर नहीं दिखा, लेकिन मैं आपको साइड में क्लिपिंग दिखा रहा हूँ जो कि दीपक को के गेस्ट जो अभी पहले आए थे, रिसेंटली 3 4 दिन पहले आए थे, उनको जो दिखा था। ये छोटी सी ड्रेसिंग टेबल है, टीवी है, स्टूल है, वो एंट्रेंस, ये वॉशरूम। अगर फ्लोरिंग पे ध्यान देंगे तो फ्लोरिंग भी अच्छी नीट एंड क्लीन तरीके से बनाया हुआ है, ग्रेनाइट का पत्थर है। वॉशरूम सबसे पहले लोगों को जरूरत होती है साफ सुथरे वॉशरूम की। ये देखिए वॉशरूम, ये WC, इतना स्पेस है। ये मिरर लगा है, वॉश बेसिन, टीक की ही डोर सीलिंग लगी है, बेड भी टीक का बना हुआ है और ये विंडो वगैरह आप देखोगे सारा टीक से बनाया हुआ है। वैसे ऊपर छत पे जाने के लिए स्टेयर्स हैं, रेलिंग वगैरह भी, पत्थर भी देखिए ग्रेनाइट है, रेलिंग भी स्टील की है और ये नीचे से ऊपर आने का है। ये कॉमन बालकनी है, पोर्च का ऊपर का हिस्सा है और यहाँ से किसी भी रूम में आप रुके हो तो इसको आप एक्सेस कर सकते हो। व्यू, ये सारा मोहान का एरिया है, टाइगर भरे पड़े, कितने टाइगर हैं कोई अंदाजा नहीं है। यहाँ से रोर करता है टाइगर, बताया था सामने ये जो पेड़ दिख रहा है यहीं पे मैन ईटर ने किल किया था। ये फ्रंट फेसिंग बालकनी है, होम स्टे है, नीचे कार पार्किंग यहाँ भी है, सामने भी है। ये लॉन है, 5 कमरों हैं, 5 कमरों के अकॉर्डिंग लॉन है। ये पूरा पार्किंग यहाँ भी खड़ी कर सकते हैं आप, जैसे मैंने गाड़ी खड़ी करी है, यहाँ से लेके आगे पीछे बहुत गाड़ी खड़ी हो जाती है। मेन एंट्रेंस से घुसते हैं, ये पूरा एक फर्स्ट फ्लोर में इन्होंने रूम बनाए हुए हैं। ये कॉमन एरिया ड्राइंग रूम है, ये अभी डाइनिंग टेबल भी नीचे से ला के यहीं लगाने वाले हैं। तो ये आपका 5ों कमरों का डाइनिंग और ड्राइंग रूम हो गया। आप बैठना है तो यहाँ बैठ सकते हैं सोफे, और वो वहाँ वहाँ पर लगा है वॉश बेसिन। तो एक फ्रंट का रूम ये है जिसमें मैं रुका हूँ, ये एंट्रेंस है। एक रूम ये है, एक रूम ये है, एक रूम ये है और एक रूम ये है, ये स्टोर रूम बनाया हुआ है उन्होंने। एक रूम आप ये देखिए, उसी तरीके का रूम है। अगर मैं खोल दूंगा कर्टन तो बाहर का व्यू आ जाएगा, पीछे बालकनी का, ऐसे ही वॉशरूम, ये नीचे की फ्लोरिंग। तो ये 2 कमरे फ्रंट फेसिंग हैं, सेम इस तरीके से रूफ है, विंडो, पूरा व्यू आ रहा है रिवर का। ये फ्रंट फेसिंग बालकनी, इतना स्पेस नीचे, जरूरत पड़ने पे एक्स्ट्रा मैट्रेस लग सकता है थोड़ा सा कंजेस्टेड करके। हर कमरे के वॉशरूम बिल्कुल साफ सुथरे मॉडर्न वॉशरूम है, WC, इतना स्पेस है और ऊपर गीजर लगा है, सोलर गीजर है तो रूम में गीजर की जरूरत नहीं है। ये देखिए स्प्लिट AC लगे हुए हैं और ये फ्रंट वाली बालकनी जो है पीछे से ऐसे कनेक्टेड है, तो पीछे के रूम में भी अगर आप हो तो आप अपनी बालकनी से यहाँ आ सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी एक्सेस नहीं है। और ये वो जगह है जिसको आप टाइगर थिएटर समझ सकते हो, ये सोलर फेंस लगी है, इसके उस पार टाइगर ही होते हैं, ये टाइगर का अड्डा ही है। कल भी डियर तो आया था, क्योंकि बारिश हो गई थी, बारिश के बाद एनिमल साइटिंग कम हो जाती है, तो बारिश और तूफान बहुत आया था, मैंने वीडियो में दिखाया है। और ये मोहान जो आपने लगातार मोहान मैन ईटर, मोहान टाइगर सुना होगा, ये मोहान मैन ईटर का ही इलाका है। ये ऐसे लंबा पहाड़ चला जा रहा है और वहाँ है सामने सुंदरखाल विलेज। तो
वो जो सुंदर खाल विलेज से नदी नदी आ जाओगे तो आप ऐसे आ जाओगे, और जो पूरी रोड जिसको लोग नाइट ड्राइव करते हैं, मेरे भी आपने नाइट ड्राइव के कई वीडियो देखे होंगे, इसी रोड पर ड्राइव करता हूँ। यानी ये थिएटर है, यहाँ से लेके वहाँ तक कुछ भी हो यहाँ बैठे बैठे देख लो। और ये है नदी, वॉक करके नदी पे जा सकते हो आप ग्रुप में, अकेले नहीं। मतलब टाइगर अगर कहीं से भी यहाँ रोर करेगा, यहाँ रोर करेगा, यहाँ करेगा, आपको सुनाई देगा। कहीं कॉल होगी, ये सोलर लाइट्स हैं, रात को मूवमेंट पर जल जाती, बहुत ही अच्छा माहौल होता है। कल मैं टाइगर नहीं देख पाया, लेकिन बार बार आऊँगा, दोबारा देखेगा। लेकिन जो दूसरों को दिखा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप फील कर सकते हो। तो ये जो साइड में आप क्लिपिंग देख रहे हो, ये क्लिपिंग में टाइगर दिख रहा है टॉर्च में, एक देखिए इसमें डियर दिख रहे हैं सामने ही, और डियर के पीछे ही बैठा हुआ है टाइगर। आप देखो, मीन्स टाइगर घात लगा के बैठा है, डियर उसको महसूस कर पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि डियर की आई साइट बहुत कमज़ोर होती है, और दूसरी बात उसको दो ही कलर दिखते हैं, तो उसको जो ब्राउन कलर का, जो रेडिश येलो कलर का जो टाइगर है, उसको ग्रीनिश लाइट ग्रीन कलर का दिखता है, और जो झाड़ी है उसको डार्क ग्रीन दिखती है। तो बहुत ज़्यादा वो सेंस नहीं कर पाता, और रात को तो दिखता ही नहीं है, लेकिन उसकी स्मेलिंग पावर बहुत होती है। वो एक मील दूर से स्मेल कर सकता है टाइगर को, डियर की इतनी पावर होती है। तो ये जो टाइगर बैठा है, डियर उसको स्मेल कर पा रहा है, लेकिन कंफ्यूज है कि जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि स्मेल आ रही है, उसको पता नहीं चल रहा है कहाँ है। तो वो समझ तो रहा है, इसीलिए वो कॉल करते हैं, अपने कान ऊपर करते हैं, पैर पटकते हैं, पूंछ उठाते हैं, दूसरे को बताते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है इस वक्त कि टाइगर कहाँ है। और टाइगर का उल्टा है, टाइगर को आदमी से 20 गुना ज़्यादा देख सकता है, क्योंकि उसकी आंखों में होता है टैम्पटम बोलते हैं शायद उसको, जिसकी वजह से उसकी विजिबिलिटी, वो बिल्ली में भी होती है वो चीज़, उससे बहुत अच्छा उसको दिखता है। टाइगर डियर को देख पा रहा है यहाँ पे, डियर उसको नहीं देख पा रहा, लेकिन हमारा एडवांटेज ये है शाहविला में, हम दोनों को देख पा रहे हैं टॉर्च पे। तो दोस्तों, जो ये शाहविला है जहाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे आप देख पा रहे हैं, जिसको कि मैंने नाम दिया है टाइगर थिएटर, कि आप बालकनी में बैठ के रियल टाइगर देख रहे हो। देखिए, अगर हर तरह की चॉइस होती है, मेरी भी चॉइस हर तरह की होती है, कि मीन्स रिजॉर्ट में रुकने का अपना अलग मजा है, लेकिन जब हम रिजॉर्ट में रुकते हैं तो हमारे पास स्विमिंग पूल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमें रिजॉर्ट के अंदर का ही दिखता है, रिजॉर्ट के बाहर जाने की परमिशन नहीं, बाउंड्री भी होती है, और रिजॉर्ट के इतने नज़दीक इतनी वाइल्ड लाइफ होती भी नहीं है। तो जब आपको लग्जरियस की मीन्स आपको स्विमिंग पूल इंजॉय करना है, रिजॉर्ट की लाइफ इंजॉय करनी है, तो बिल्कुल रिजॉर्ट में भी जाए। अगर आप हार्ड कोर वाइल्ड लाइफ लवर है तो आप एक बार यहाँ रुकिए शाहविला में, क्योंकि लग्जरी तो है ही, आप देख रहे हो कि रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरे कमरे हैं, एयरी है, बेडशीट भी वाइट, स्प्रिंग मैट्रेस 9 इंच के स्प्रिंग मैट्रेस हैं, खाना घर का है। लेकिन एडवांटेज क्या है कि जब आप शाम को, पहली बात तो बिल्कुल आप जंगल के मुहान के अंदर बैठे हुए, ये जंगल है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये उसके अंदर का गांव है, और यहाँ पे आप कुर्सी डाल के बैठ जाओगे, चाय पी रहे हो या जो भी हो, सामने आप आवाज़ सुन रहे हो, और जब आपको दिखे जानवर तो आप टॉर्च मार के देख सकते हो, अपना जूम कैमरे से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। जंगल के अंदर ही जो ढिकाला वाली फीलिंग है ना, मैं एक चीज बोलूं, किसी मामले में ढिकाला से बढ़ गया ये, क्योंकि मैं तो हर जगह घूमता ही रहता हूँ। क्यों, कैसे बढ़ के बता रहा हूँ, ढिकाला में रूम से क्या आपको दिखता है, नहीं दिखता। वॉच डेक पे आप दिन में ही जाते हो, रात को तो हालांकि इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड है, रात को थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फेंसिंग से क्रॉस करके डियर वगैरह अंदर आ जाते हैं। मैं इवनिंग वॉक कर रहा था, आ गया था, यहाँ वो डर नहीं, क्योंकि इसकी हाइट 12 फीट से ऊपर है, और टाइगर 12 फीट ही जंप करता है, और इसके ऊपर भी छत है, मैं अभी आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ, कि आपको डर लग रहा है तो और ऊपर बैठ सकते हो, जहाँ पे तो वो आ ही नहीं सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, और ये आपके रूम सामने ही है। तो ये ढिकाला से भी एक मायने में देखोगे तो बढ़ के कि यहाँ रहना, दूसरी बात गाड़ी से बिल्कुल, आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हो तो कॉस्ट इफेक्टिव आपको रहने में। दीपक शाह जो यहाँ के ओनर हैं, उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप कॉल कर सकते हो, तो पैसे भी कम लगेंगे, फील भी ज्यादा है, तो आप लंबा स्टे कर सकते हो। अगर आप हार्ड कोर वाइल्ड लाइफ लवर हो, बर्डिंग लवर हो, ट्राईपॉड लगाओ, यहां से फोटो लो। अभी किंगफिशर तो मैंने लिया था, मैं तो अपना वो सिर्फ अक्सर ही भूल जाता हूँ, 65x जूम कैमरा जो है लेके नहीं आता, मैं इसी में कंफर्टेबल रहता हूँ। लेकिन यहाँ आप तरह तरह की बर्ड्स हैं, मोर सामने बैठा हुआ, सुबह हमने लिया, उसमें किंगफिशर बैठा था, और वैरायटी मेरे ख्याल से जिम कॉर्बेट जितनी बर्ड्स हैं सारी हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवर है, जहाँ वाटर बॉडी होती है वहाँ सारे जानवर होते हैं। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हो तो एक बार आप ट्राई करो शाहविला में रुकने के लिए। पसंद आए तो बार बार रुको, आपको ना पसंद आए तो अगली बार मत रुकना। सेकंड पोर्च की रूफ है, तो एक इसके नीचे वाली भी है, एक ये भी है। मीन्स अगर आपको 5 कमरे हैं और आप कुछ फैमिली वाले हैं, कुछ
अलग लोग हैं तो आप प्राइवेसी चाहते हो, तो ये भी एक आपको पर्सनल बैठने की जगह है, जिसमें अगर आप चाहते हो कि आपकी टेबल कुर्सी लगा दी जाए, और व्यू तो आप देख रहे हो कितना शानदार है। ये केवल पहाड़ नहीं है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पहाड़ हैं, मोहान के पहाड़ हैं, जहाँ टाइगर ही टाइगर घूमते हैं, हाथी भी घूमते हैं। अब ये देखिए छत का नज़ारा, यहाँ से पूरी कोसी रिवर आपको नज़र आ रही है। अगर आप जूम कैमरा लगाओगे तो समझ लीजिए कि आपकी फोटोग्राफी के लिए इतना ज़्यादा ऑप्शन है। यहाँ पे बैठे रहो, आपको पूरा दूर दूर तक विजिबिलिटी है। ये देखिए बर्ड जा रही है, पूरा यहाँ से ऑलमोस्ट 360 नहीं तो 180 या 200 का एंगल है जो आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ये फ्रंट में पूरा वहाँ तक जाते हैं। इतना पूरा इतना आप कवर कर रहे हो, और इस साइड चले जाओगे तो पूरा 360 ही कवर कर रहे हो आप। ये लगा हुआ है सोलर गीजर जो मैं बता रहा था, तो इससे आपको हर रूम में पानी की सप्लाई मिल जाएगी। और ये यहाँ पे आप बैठ जाओ और शाम के टाइम पे फ्रंट का ये नज़ारा देखो, तो आप किसी भी बैक फेसिंग रूम में हो, फ्रंट फेसिंग रूम में हो, ये छत सबके लिए एक्सेसिबल है। बॉनफायर वगैरह छत पे ही लगाते हैं, ये ऊपर टंकियाँ रखी हैं, तो एम्पल स्पेस है। ये लोकेशन बहुत ही प्यारी है, ये मोहान वाली रोड जा रही है, ये है इसके ओनर दीपक शाह। तो दीपक ये बताओ कि कितना मतलब अभी कब देखा था लास्ट? अभी सर अभी जो हमने लास्ट देखा है 3-4 दिन हो रहे हैं अभी हमने, क्योंकि हमारे जो गेस्ट रुके थे उन्होंने यहाँ पे टाइगर देखा था चलते हुए, यहाँ से निकला था, और उसके दूसरे दिन मॉर्निंग में कुछ गेस्ट मेरे पास आए थे, तो उनको यहाँ पे यहाँ से 100 मीटर के आसपास में जो चढ़ाई पड़ती है हमारे यहाँ से नीचे को बोर्ड लगा हुआ है राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ पे सामने, तो वहाँ पर उनको लेपर्ड दिखा था, तो मेरे पास आए मुझे बताया, बोला यहाँ पे टाइगर वगैरह बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा ये तो टाइगर के अड्डा है, मैंने उनको बताया यहाँ की बारे में, मैंने कहा ऐसा ऐसा, तो पैदल घूम रहे थे तो मैंने उनको बताया, फिर वो थोड़ा सा वो हो गए, तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि अपनी आप गाड़ी से चलो तो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि पैदल जाना यहाँ पर ठीक नहीं है। और परसों भी यहाँ पर कॉलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा एक बार वीडियो बना लेता हूँ, फिर मैंने कहा रात ज़्यादा हो गई, तो मैं ठंड भी हो रही थी, तो मौसम थोड़ा सा वैसे ही आजकल थोड़ा बारिश का मौसम ज़्यादा चल रहा है, कल तो बहुत बारिश है, तो बहुत बारिश भी हुई है और आंधी तूफान बहुत तेज थी कल, तो इसके लिए थोड़ा सा मूवमेंट कम रहा। अच्छा ये बताओ ये रोड में ड्राइव करके जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं? ये रोड में आगे रिजॉर्ट जा रही है, रिवर तक जा सकते हैं। अच्छा जा सकते हैं, हाँ रिवर सीधे रिवर तक जाएगी ये रोड, दो रोड करती है यहाँ पे से रिवर के लिए, वो भी रिवर पे जाएगी, सामने रिवर पे जाती है। और हाथी वगैरह के हार्ड आ जाते होंगे यहाँ पे? हाँ हाथी अभी आने, हाथी का तो परसों यहाँ पे जो हमारे गेस्ट थे उनकी गाड़ी के पीछे से हाथी आ गया था, तो वो घबरा के उन्होंने मुझे कॉल किया कि हाथी आ गया, तो मैंने फिर यहाँ से एक गाड़ी ली किसी और की, तो फिर गए हम वहाँ फटाफट, तो इतने में उन्होंने बोला कि चलो अब वो चले गया, गांव में फसल हो रही है तो फसल खाने के लिए आजकल हाथी थोड़ा सा ज़्यादा आ जा रहा है। ये स्कूल है? ये राजकीय इंटर कॉलेज है। अच्छा तो दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन थी शाह विला। अब मैं यहाँ से ड्राइव करके जा रहा हूँ मोहान की तरफ, वीरू ने लंच पे बुलाया तो वीरू के यहाँ रुकूंगा, लंच करते हुए निकल जाऊंगा दिल्ली की तरफ। और ये यहाँ की बुकिंग का नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, दीपक शाह आप बात कर सकते हो, और मेरा रेफरेंस दे देना तो डिस्काउंट दे दोगे, डिस्काउंट दोगे नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे सर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।